जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीस रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो चलिए मैं अपने एक नए विचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी नई सोच के साथ चलिए मैं अपनी नई रेसिपी की शुरुआत करती हूँ। आज मैं लसोड़े की सब्जी बनाने जा रही हूँ। लसोड़े की सब्जी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही सेहत भरी होती है। तो ये मैंने 250 ग्राम के करीब एक पाव लसोड़े लिए हैं, जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। लसोड़े में कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कि हमें इनमें सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज की प्याज को कट कर लिया छोटे टुकड़ों में, और ये मैंने हरी मिर्च है तो हरी मिर्च को मैंने ज़्यादा छोटी नहीं काटी है, बस इस तरह से बीच से इसमें कट लगा दिया है, लंबे साइज में इसके कट किए हैं। और यह है लहसुन, तो लहसुन को भी मैंने लंबे साइज में बीच से कट कर लिया है इस तरह से। और यह है अदरक के छोटे छोटे टुकड़े मैंने कट कर लिए हैं। और यह है फ्रेश हरा कटा धनिया, और यह है तीन मीडियम साइज के छोटे टमाटर, तो जिससे मैंने इसे भी फ्रेश अच्छी तरह से धोकर और कट कर लिया है। यह है एक छोटी चम्मच जीरा, यह है दो चम्मच गरम मसाला, यह है दो छोटी चम्मच बेसन, और यह है नमक, यह है धनिया पाउडर, यह है लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च जिसे कहते हैं, और यह है हल्दी पाउडर, और यह है काली मिर्च कुटी हुई। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं लसोड़े की सब्जी बनाना। सबसे पहले हम इसकी सब्जी बनाने के लिए इन्हें उबाल लेते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है दो तीन पानी से, तो अब इसे मैं उबलते हुए पानी में कम से कम 3 मिनट तक इसे उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले से मैंने पानी चढ़ा दिया था, अब मेरा पानी उबल चुका है, तो अब मैं इसमें इन्हें डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा हमें इसे उबालना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इन्हें ज़्यादा नहीं उबालना चाहिए, बस इतना कि हल्के से ये दबने लगें। और बस 2-3 मिनट तक हम इसे यूँ ही देखते हुए उबालेंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे। तो ये मैंने सारे लसोड़े को डाल दिया है उबलते हुए पानी में, और बस इस तरह से इन्हें थोड़ा सा हम इसे 2 मिनट से 3 मिनट तक ही उबालेंगे। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में सेल्युलोज पाया जाता है, और ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत ही अच्छा रखता है और हमारी सेहत को बहुत अच्छा रखता है, और भूख भी बहुत अच्छी लगती है इसका सेवन करने से। तो बस इसे हमें अब ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 1 मिनट और उबाल के हम गैस को बंद कर देंगे। तो लसोड़े हमारे उबल चुके हैं अच्छी तरह से। चलिए हम एक ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो चलिए अब हम गैस को बंद करके इसे छन्ने में निकाल लेते हैं इसका पानी। तो फ्रेंड, छन्ने की सहायता से मैंने इसका पूरा पानी निकाल लिया है। अब इसे मैं एक प्लेट पर डाल देती हूँ, इस तरह से डाल देंगे हम, और फिर इसके दाने निकाल देंगे। तो हमारे लसोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए मैं इसके दाने निकाल लेती हूँ। इसमें बहुत ही अधिक चिकनापन होता है, तो थोड़ी हाथों में लगता है, तो बस हम बिल्कुल आराम से इसके दाने इस तरह से, देखिए बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। तो बस इस तरह से हम इसके दाने निकाल देंगे और इसे इस तरह रखते जाएंगे। और बस इस तरह से इनके सारे दाने, बस इस तरह से हम थोड़ा सा अगर धक्का दे देंगे तो पूरे दाने इसके निकल आते हैं। और बड़े आराम से हम इसे सारे दाने इस तरह से, ये देखिए बहुत ही इसमें चिकनापन रहता है, लेकिन इसकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमें इसका सेवन करते रहना चाहिए। और ये देखिए इसके सारे दाने इस तरह निकल जाते हैं बड़े आराम से, इसलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, हल्का ही पकाना चाहिए, ताकि हम इसे अगर थोड़ा सा पुश करें तो इसके दाने आराम से निकल जाते हैं। तो चलिए हम सारे दाने निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके सारे दाने निकाल लिए हैं। इसे लभेर भी कहा जाता है कई जगहों पर। और देखिए ये इसके सारे दाने इस तरह से, ये भी इसमें बहुत लसलसापन पाया जाता है। तो चलिए अब हम इसकी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, और इस पर मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। इस पर आप ज़्यादा तेल मत डालिए, क्योंकि इसकी सब्जी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस मैंने, हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा हमारे तड़क चुका है, तब चलिए इसमें मैं लहसुन की कलियां डाल देती हूँ। इस तरह से लहसुन की कलियां डाल के इसे हम 1 सेकंड तक थोड़ा सा
फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका कलर अच्छा चेंज हो जाए। अब इसमें अदरक का टुकड़ा भी डाल देते हैं। अदरक हमारा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है, अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। अभी हरी मिर्च को भी हम थोड़ा सा एक सेकंड के लिए चलाकर फिर इसमें हम प्याज डालेंगे। हमारी मिर्च भी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से, अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को भी हम 2 मिनट के लिए थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं, उसके बाद फिर हम मसाले ऐड करेंगे। तो बस इस तरह से हम प्याज को भी 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो प्याज भी हमारी ब्राउन कलर में हो चुकी है, अब इसमें मैं काली मिर्च डाल देती हूँ। तो काली मिर्च से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बढ़ जाता है। तो इस तरह से काली मिर्च डालकर इसे थोड़ा सा हम चला देते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देती हूँ। हमें ज़्यादा बेसन इसमें नहीं डालना है, बस मैंने 1/2 चम्मच इसमें बेसन डाला है। बेसन मैं इसलिए इसमें डाल रही हूँ कि जो हमारे लसोड़े में लसलसापन होता है तो वो थोड़ी कम हो जाता है बेसन डालने से, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ही बेसन डालेंगे और इसे इस तरह से रोस्ट कर देंगे। बढ़िया इसे भी अच्छी तरह से हम इसमें भून लेंगे। तो बेसन हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ कटे हुए। और टमाटर को भी हम कम से कम 2 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ये अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे। तो टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब चलिए इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच और थोड़ी सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे भी हम थोड़ी सा अच्छा बढ़िया से भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो बस इस तरह से हल्की धीमे बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पर इसे बिल्कुल 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। तो हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। 1 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और इसे भी हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस थोड़ा सा हम इसे चलाकर अब इसमें मैं लसोड़े को डाल देती हूँ। तो इस तरह से हम सारे लसोड़े को डाल देंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बस नमक डाला है और इसे अब अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे हम इस तरह से। बहुत ही अच्छी इसकी सब्जी लगती है और आप इसका सेवन करेंगे तो आपको अच्छी भूख भी लगेगी और ये मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है। तो इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल हमने धीमी इसकी आंच रखी है और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे हम 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से पकने देंगे। 1-2 बार हम इसे बीच में चला भी देंगे तो ये अच्छे से हमारे अच्छे रेडी हो जाएंगे पककर। तो फ्रेंड 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ चुका है और ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और सारे मसाले इसमें अच्छे से भिग चुके हैं और अच्छे से पक चुकी है हमारी सब्जी। तो मैं इसे बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ा सा हम अब थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं इस तरह से डालकर मिक्स कर देते हैं। हम गैस को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लसोड़े की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। इसका अचार भी बनाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स आज का आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। और हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमेशा सुरक्षित रहें
और जल्द ही मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।